हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं, हम पहुंचे हैं ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट परिसर पे। जी हाँ दोस्तों, ये त्रिवेणी घाट परिसर बहुत ही ज़्यादा अत्यंत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो है शाम को बहुत से लोग एक साथ इकट्ठा होकर पूजा अर्चना करते हैं गंगा मैया की, और पूजा अर्चना करने के बाद पुष्प विसर्जन करते हैं, जो कि एक पूजा स्थल पर ही प्राप्त होते हैं, उनको विसर्जन करते हैं गंगा में। और दोस्तों, यहाँ पर आप अगर आते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा शांति प्राप्त होगी, और बहुत अगर आपके दिमाग में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, पर यह है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा सा मन को शांति जरूर अच्छा फील होगा यहाँ पर आके। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ कितने हरे भरे पहाड़ियाँ हैं। ऋषिकेश ऋषि मुनियों का गढ़ माना जाता है। आप यहाँ पर आकर देखेंगे कि चारों तरफ बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, जिनको लगभग सभी धर्म मानते हैं और अपने मन की इच्छा को प्राप्त करते हैं यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके गंगा मैया के दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। और सबसे अच्छा फील तो होता है तब जब ये आरती होती है, तो ये आरती बहुत ही ज़्यादा महत्व प्रदान करती है जब यहाँ पर श्रद्धालु लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार आते हैं, और गंगा माँ के दर्शन के साथ साथ इस आरती का भी पार्ट बनते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों, ये वीडियो देखकर आप ज़रूर यहाँ पे पधारें और अपनी जीवन को सफल बनाएँ और अपने उज्ज्वल भविष्य में सभी दुविधाओं को दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो के लास्ट तक आप देखिएगा, इसमें आपको गंगा मैया की पूरी आरती को प्रसारण किया जाएगा। दोस्तों, इस आरती का प्रसारण दूरदर्शन पर भी किया जाता है और अलग अलग टेलीविज़न चैनल पर किया जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि चारों तरफ लोग पूरे धैर्य के साथ बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा अनुशासन है और चारों तरफ लोग धैर्यपूर्वक ध्यान से सुनेंगे इसको। बहुत दूर दूर से आए हैं घूमने, आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं, विदेश से भी आते हैं यहाँ पे घूमने लोग। जी हाँ, I'm
Thank you.
Thank you.
आइए सभी मिलकर भगवान की जय ओम शिवाय अर्चना करें।